और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इसराइल में बनाई गई, इसराइल बड़ा खुश हुआ। शहबाज शरीफ जमानत पे, इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर लंदन में, दबाद मफरूर, नवाज शरीफ के बेटे मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे, ये इस मुल्क की, ये अमरीकनों ने कितनी तोहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया है। और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इसराइल में बनाई गई, इसराइल बड़ा खुश हुआ। और वो आदमी जिसका नाम ग्रीट विल्डर है, ये सुन ले, ग्रीट विल्डर भाई कौन है, इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया। मेरा ये आवाज है, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है, मैं जेल गया आपकी वजह से, क्योंकि हम एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन अदलिया इस मुल्क में कमजोर लोगों के साथ खड़ी होगी, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी होगी। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूं कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, कभी मैंने कानून तोड़ा, कभी मैं जब क्रिकेट खेलता था कभी किसी ने कहा कि इमरान खान मैच फिक्सिंग करता है, जब से मैं सियासत में हूं 25 साल कभी मैंने अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मैं आपसे पूछता हूं
कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। और मैं अपने पाकिस्तानी आप सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पर आना है, हमने मुजाहरे करने हैं। मैं आज अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि यह फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख का, यह फैसला कुन वक्त है कि क्या हम इनको, क्या हम इस साजिश को कामयाब होने देंगे। अगर हमने कामयाब होने दिया पाकिस्तानियों, हमारे आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी।